हेलो नमस्कार, क्यूरियस रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज हम सत्तू से बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाएंगे, तो ये एकदम नई रेसिपी है जो सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको सत्तू पता नहीं है तो मैं बता दूं, जो काला चना होता है उसे भूनते हैं, और जो भुना हुआ काला चना है वो किसी भी ठेले पे आपको मिल जाएगा। उसे तो हम ऐसे ही बहुत मजे से खाते हैं। उसी भुने हुए काले चने को अगर पीस दो तो ये आटा बन जाता है, जिसे सत्तू बोला जाता है। तो ये एक तरह का आटा है जो प्रोटीन और फाइबर से भरा हुआ है, तो इसे इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे लिट्टी, पराठे या फिर सत्तू का ड्रिंक भी बनाया जाता है। तो ये ड्रिंक की रेसिपी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। मजे की बात ये है कि आम का सीजन चल रहा है, तो हम इस मिठाई में आम का इस्तेमाल भी करेंगे, जिससे कि ये मिठाई और भी स्वादिष्ट हो जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू रेसिपीज के अपडेट आप तक सबसे पहले आ जाएंगे। रेसिपी को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए सत्तू से ये स्वादिष्ट मिठाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सर जार में 4 बड़े चम्मच पिस्ता लेना है, इसे दरदरा सा पीस लेना है, इसे एक कटोरी में निकाल ले। उसी मिक्सर जार में 120 ग्राम चीनी लेना है, चीनी में 7-8 इलायची डाल के इसका भी पाउडर तैयार कर ले और इसे बर्तन में निकाल ले। तो यहाँ पे 3 हापुस आम लिए है, ये छोटे आम है इसलिए 3 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 ले सकते हैं, और अगर हापुस नहीं है तो केसरी या फिर दशहरी आम का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद इसका जो पल्प है उसी मिक्सर जार में निकाल ले। आप देख सकते हैं ये मिक्सर जार में सारा पल्प निकाल लिया है। इसको भी ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये पेस्ट बनके तैयार है। अब हम मावा बनाएंगे, तो उसके लिए 1 कप मिल्क पाउडर लेना है, ग्राम में ये 240 ग्राम है, और उसी कप से 1 कप दूध लेना है। दूध नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, अभी तक गैस ऑन नहीं है, तो इसे पहले अच्छे से मिक्स कर ले। इसे 2 मिनट के लिए चलाते रहे, जिससे कि इसके सारे लम्प्स खत्म हो जाएंगे। आप देख सकते हैं लगभग सारे लम्प्स खत्म हो गए हैं। अब गैस को ऑन करके आंच को धीमी रखें और इसे चलाते जाएं। हल्का सा ये गर्म होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा आंच को बढ़ा के इसे चलाते जाए, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। 7 से 8 मिनट के बाद आप देखेंगे तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हम इसमें चीनी, आम का पल्प तो डालने वाले हैं, तो ये फिर से पतला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब ये 1/4 कप घी लिया है, इसमें से थोड़ा सा घी हम डालेंगे और थोड़ा सा बाद के लिए बचा के रखेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर ले। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें चीनी का पाउडर बनाया था वो डालेंगे, तो इस तरह से छान के ले तो ये जो इलायची के छिलके हैं वो इसमें नहीं जाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मिक्स होने के बाद इसमें मैंगो पल्प डालना है। अगर आपको लगता है मैंगो में ज्यादा रेशे हैं तो आप इसे उसी छन्नी से छान के ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे ही इसे पकाना है। और ये आम डालने के बाद भी हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, कि जब सत्तू का आटा हम इसमें डालेंगे तो ये जो सारा मॉइस्चर है वो नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम उसमें उसी कप से सत्तू डालेंगे। सत्तू भी हमने 1 कप लिया है, ग्राम में ये 240 ग्राम है। ये रेडीमेड आटा भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं जितना भी मॉइस्चर था वो सत्तू के आटे की वजह से खत्म हो गया है। मिठाई गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें 3 चम्मच पिस्ता डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर ले।
अब ये जो बचा हुआ घी है ये पूरा इसमें डाल देना है। तो इसमें 1/4 कप घी का इस्तेमाल हुआ है, ज्यादा घी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। इसे अच्छे से मिला ले। अब इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे ही पकाना है। आप देख सकते हैं ये मिठाई पैन में कितने अच्छे से घूम रही है, अच्छे से ये पैन छोड़ रही है। इसे ज्यादा नहीं पकाना है, ज्यादा पकाएंगे तो ये ड्राई होना शुरू हो जाएगी। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दे और इसे ठंडा कर ले। जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक हम प्लेट पे घी लगा लेंगे। तो ये घी लगा लिया है, ये देखिए ये मिठाई प्लेट में डाल दी है। हाथ में थोड़ा सा घी लगा के इसे आप पूरी प्लेट में अच्छी तरह से फैला दे। देखिए ये हाथों में भी बिल्कुल नहीं चिपकी है। अब हम इसमें जो पिस्ता का पाउडर बनाया था वो डालेंगे। आप इसमें आपकी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब एक कोई भी कटोरी या प्लेट लेके जो नीचे से प्लेन हो उससे हमें इसे प्रेस करना है, जिससे कि ये जो पिस्ता के पीसेस हैं वो निकलेंगे नहीं। तो हल्का हल्का इसे इस तरह से प्रेस कर ले और इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दे। ये मिठाई सेट हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे, तो आप जैसे चाहे इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए आप ये मिठाई कितने अच्छे से बन के तैयार हो गई है। अगर ये नीचे से चिपक जाती है तो आप इसे 10 सेकंड के लिए गैस पे गरम कर ले तो ये आराम से निकल जाएगी। इतनी सॉफ्ट मिठाई बन के तैयार हुई है और खाने में ये इतनी स्वादिष्ट है कि अभी बनाई और अभी खत्म हो जाएगी। और ये मैंगो के सीजन में ये हेल्दी मिठाई आप हमेशा बनाओगे। मिठाई 15 से 20 दिन तक फ्रिज में भी रखेंगे तो भी सॉफ्ट रहेगी। तो ये एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। और जो सत्तू बहुत हेल्दी है, जिन्हें सत्तू का आटा पसंद नहीं आता है वो भी ये मिठाई खा के बोलेगा कि हाँ भाई कुछ तो बात है इस मिठाई में। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।